कैसे हो माँ? ठीक हूँ अज्जू। किरण, वो तो कहीं गई है बेटा, तुम्हें बता कर गई होगी। नहीं माँ, आती होगी। पर बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें इन चीजों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारे पापा इन चीजों का हमेशा ख्याल रखते थे। ये उनकी दखलंदाजी थी मामा। देखा जाए तो उनका डोमिनेटिंग नेचर। बट आई बिलीव इन कंप्लीट फ्रीडम। हर इंसान को अपनी जिंदगी मन मुताबिक जीने का पूरा हक होना चाहिए। लेकिन घर में एक अनुशासन का होना जरूरी है, और वो तुम रख सकते हो। तुम्हारे पापा ने हमेशा परिवार पर कंट्रोल रखा, डिसिप्लिन मेंटेन किया और परिवार को बांध के रखा। अनुशासन का यह मतलब नहीं है मामा कि हम एक दूसरे की जिंदगी में इतना दखल देने लग जाएं कि फ्रीडम खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारी भलाई के लिए किया, ये उनका प्यार था। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है मामा तो घुटन बन जाता है। मतलब हमारा प्यार तुम्हारे लिए घुटन बन गया था। कम ऑन मामा, इस बेकार के झमेले में क्यों पड़ रही हैं आप? 2-4 दिन के लिए मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बनकर रहिए ना। हम तो इसे अपना घर समझ कर आए थे, पर तुमने अपनी माँ को मेहमान ही बना दिया। 3, 3, 62 ओके, बैलेंस फॉर्ड। अच्छा ठीक है, इसको 61 पे। हे डैड, सोए नहीं आप? हमें तो खैर नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटे? रात के 2 बज रहे हैं। वो क्या, डैड कल ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो काम तो पूरा करना ही होगा ना डैड। कैन आई हेल्प? आपके बस की बात नहीं है डैड। अरे क्यों भाई, 40 साल से हम यही सब कुछ तो करते आए हैं। अरे छोड़िए डैड, कहाँ आपकी छोटी से कंपनी में 9 to 5 की नौकरी, और कहाँ हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वर्कलोड। डैड आपके जमाने में ना ना तो काम में कोई कंपटीशन था और ना लाइफ में कोई टेंशन। हमें तो सरवाइव करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है, हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था? हमारे जीवन में टेंशन ही नहीं था? अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन बावजूद इसके हमने अपने काम में अपना पूरा आउटपुट दिया। मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, 4-4 बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सके। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको यह बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनके बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? ओह कम ऑन डैड, यू हैव टू एग्री, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या। हाँ डैड, आओ ना जल्दी। कमिंग स्वीटहार्ट। गुड नाइट डैड। आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनके बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वाकई हमने किया क्या है? अगर हम तुम बच्चों को भरपेट खिलाकर खुद आधे पेट पर सोते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंट कर अगर हम तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है?
अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए अगर हमने कुर्बान किया है तो भी हमने क्या क्या है। हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं।